सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन। और आज के इस वीडियो में मैं पोटैटो 5 पर सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स यार ज्यादा किसी काम की तो नहीं होती। बाकी फ्रेंड्स यार, आप एक फ्री फायर के प्लेयर हो, डेली गेम वगैरह खेलते रहते हो, तो आपका यार ये सारी की सारी ट्रिक्स पता होना ये। सो अभी फ्रेंड्स यार, अभी अपन आ भी चुके अपने फर्स्ट नंबर की सिंपल ट्रिक पे। तो फर्स्ट नंबर की सिंपल ट्रिक फ्रेंड्स यार आपको बरमूडा रिमास्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। बरमूडा रिमास्टर में आपको यार CP8 पे है ना, ये जो दो येलो वाले टावर देखने को मिलते हैं ना, उसके पास यार आपको ये लॉन्च पैड देखने को मिलता है। तो उसी लॉन्च पैड का आपका यार यूज करना है। और लॉन्च पैड को फ्रेंड्स यार जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको भी यार लॉन्च पैड्स को सेट कर देना है और यार लॉन्च कर देना है। तो देख लो फ्रेंड्स यार, इस टावर के सीध में एकदम मस्त तरीके से सेट कर दो और लॉन्च कर दो, तो आप फ्रेंड्स यार इस वाली लोकेशन पे आ जाओगे। ये जो टावर है ना, इस टावर के ऊपर आ जाओगे, फिर फ्रेंड्स यार आप यहाँ से बैठे बैठे यार किसी भी बंदे को ऊपर से टपका सकते हो, मतलब यार पूरा CP8 वगैरह देख सकते हो। और इधर के साइड में तो एक बंदा भी मेरे को यार इस सीमेंटेड हाउस में ना सीन हुआ है, तो उस बंदे को भी अपन यार टपकाने की कोशिश करते हैं। बाकी फ्रेंड्स यार वो बंदा यार अंदर के साइड में अभी छुप चुका है। बाकी फ्रेंड्स यार वो जैसे ही बाहर निकलेगा ना, तो उसको अपन टपकाने की पूरी कोशिश करने वाले। तो देखते हैं फ्रेंड्स यार क्या उसको अपन मार सकते हैं। अभी तो फ्रेंड्स यार मस्त इमोट विमोट मार रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स यार, ये रैंक गेम ही चल रहा है। और वो रहा फ्रेंड्स यार, बंदा दिख चुका है। और वो बंदा यार बाहर के साइड में निकला है, क्या मैं उसे मारूं? चलो मार ही देता हूँ। और यार मैंने उसको यार काफी ज्यादा डैमेज दे दिया भाई, मैंने यार इतना सारा डैमेज दिया। बाकी यार उसने ग्लू वगैरह डाल लिया, उसको समझ नहीं पड़ रही है। और वो अंदर के साइड में भाग चुका है। सो फ्रेंड्स यार वो इधर के साइड में भाग गया। और फिर यार मेरे को थोड़ी देर बाद है ना, वो उधर के साइड में दिखा, मतलब वो भागते हुए दिखा घर के, मतलब मेडी वेडी लगा के भाग रहा था। तो फिर यार मैंने उसको यार फाइनली यार इजी तरीके से टपका दिया ना। सो इस तरीके से फ्रेंड्स यार आप यहाँ से बैठे बैठे बंदे वगैरह भी मार सकते हो। जिस तरीके से अपन ने यार बंदे यहाँ से बंदे मार के यार सुते वगैरह करे ना, उस तरीके से आप यार बंदे वगैरह की सुताई वगैरह भी कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स यार पीछे की साइड से देखो यार, यहाँ से जोन आ रहा था काफी देर, मतलब थोड़ी देर बाद। और फिर यार मैंने यहाँ पे कर दिया जंप, और जंप जैसे ही किया ना, तो यार मेरी सिर्फ यहाँ पे 10 ही HP बची। तो फ्रेंड्स यार ध्यान रखना है कि अगर आप यार वहां से जंप करो ना, तो आपकी यार 200 HP पूरी हो तभी यार वहां से जंप करना, नहीं तो यार आप मर जाओगे। तो 200 HP रख लेना और फिर जंप कर देना, और उसके बाद यार 3 मेडिकेट लगा लेना, तो आपकी वापस से 200 HP हो जाएगी। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स यार, अगर अभी तक यार आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर की ट्रिक पे। सो दूसरे नंबर की सिंपल ट्रिक फ्रेंड्स यार आपको देखने को मिल जाएगी CP8 के अंदर। बाकी फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक है ना नॉर्मल बरमुडा मैप में देखने को मिलेगी। पिछले वाली ट्रिक फ्रेंड्स यार आपको बरमुडा मैप पर रिमास्टर वाले में देखने को मिली थी ना, तो अभी फ्रेंड्स यार ये नॉर्मल मैप में देखने को मिलेगी। ये वाले मैप में फ्रेंड्स यार आपको यहाँ पे उसी सेम लोकेशन पे ये एक लॉन्च पैड देखने को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे आपको लॉन्च पैड का यूज करना है। और यार लॉन्च पैड को इधर ये जो तो 3-4 पेड़ देखने को मिल रहे ना, तो उसके बीच में एक थोड़ा टेढ़ा सा पेड़ है, तो उसके ऊपर यार आपको लॉन्च कर देना है। और फिर फ्रेंड्स यार यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपको क्या करना है, स्कोप खोल लेना है। और यार जो स्कोप नहीं भी खोलोगे ना तो चलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको क्या करना है, जॉयस्टिक से ऊपर के साइड में आ जाना है। जिस तरीके से मैं आया ना, उस तरीके से फ्रेंड्स यार आप ऊपर के साइड में आ जाओ। और इधर के साइड में एक मेरे को बंदा भी सीन हुआ है। बाकी फ्रेंड्स यार उसने यहाँ पे ग्लू वगैरह डाल लिया है, मैंने उसको यार डैमेज तो दिया है VSS से, उसको यार शायद पता नहीं चल रहा है कि यार मैं किधर से मार रहा हूँ। और वो यहाँ से बच के निकल चुका है। और अभी फ्रेंड्स यार मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो मुझे एक और बार उसका मतलब हुआ, मतलब क्या बोलते हैं अपन को पकड़ में आया है ना, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यार पकड़ 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 यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो, अरे पकड़ा जा पकड़ा, अरे भाई ये पकड़ा नहीं रहा। अभी फ्रेंड्स यार ये पकड़ा चुका है। और वापस से फ्रेंड्स यार उसको मैंने डैमेज वगैरह दिया। बाकी फ्रेंड्स यार फिर से यार उसने ग्लू वगैरह डाल दिया, देखो फ्रेंड्स यार ग्लू वॉल डाल दिया। अभी मैं देखो आपको दिखा भी देखा, देखो ये जंप करके देखो, वो यार ग्लू वॉल वगैरह डाल लिया है ना। सो यहाँ पे फ्रेंड्स यार इस वाले गेम में तो यार मैं उसको मार नहीं पाया था, मतलब इस बंदे को मार नहीं पाया। बाकी फ्रेंड्स यार एक दूसरा गेम खेल रहा था ना, तो यहाँ से बैठे बैठे यार मुझे एक बंदा दिखा था, तो मैंने उसको एकदम मस्त तरीके से टपका दिया। वो ALSEP पे एकदम मस्त तरीके से लूट वगैरह कर रहा था, और बेचारे को मैंने अपन ने इजी तरीके से टपका दिया। और हाँ फ्रेंड्स यार अगर देखो यहाँ पे मैं बीच में हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको ऊपर चढ़ना है ना, तो जॉयस्टिक से ऊपर के साइड में आ जाओ। और आपको नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने की भी टेक्निक बता दूंगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स यार मस्त आप बैठ
बैठ सकते हो, कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। तो अभी यार नीचे जाने के लिए आपको क्या करना है, स्कोप खोलना है और जोस्टिक को नीचे की साइड में कर देना है। तो आप यार नीचे की तरफ आराम से आ जाओगे, मतलब नीचे उतरने के लिए एकदम इजी टेक्निक है। जोस्टिक को मतलब स्कोप खोल दो और पेड़ के ऊपर एम करके स्कोप खोल दो और आप यार नीचे आ जाओगे इजी तरीके से जोस्टिक का यूज करके ना। सो ये वाली ट्रिक भी एकदम मस्त थी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने तीसरे नंबर की ट्रिक पे। सो तीसरे नंबर की ट्रिक फ्रेंड्स यार काफी सारे बंदों को यार पता होगी। बाकी फ्रेंड्स यार इस वाले गेम में एक फनी सीन हो गया था, एकदम अमेजिंग वाला सीन हो गया था, तो मैं फ्रेंड्स यार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक यार मैंने पहले भी बताई आप लोगों को ना। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे ये वाली ट्रिक में होता ही है कि ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे फ्रेंड्स यार लैंडमाइन आपकी हाइड हो जाती है। सो फ्रेंड्स यार मैंने क्या किया था, यहीं पे फ्रेंड्स यार काफी सारे मतलब कुछ मेडी वगैरह, कुछ ग्लू वगैरह और कुछ टोकन वगैरह ड्रॉप कर दिए थे ना। सो फिर मैंने यहाँ पे माइन लगा दी और फिर एक बंदे से टीम अप करके, और मतलब एक बंदे से टीम अप करी थी ना तो दूसरे बंदे से अपने आप टीम अप हो गई थी। देखो फ्रेंड्स यार मैंने माइन लगाई और इधर के साइड में फ्रेंड्स यार एक बंदा आ रहा था तो मैंने उससे यार टीम अप कर ली, वो भी यार रैंक गेम के अंदर। सो उससे टीम अप करके यहाँ पे जो मैंने मेडी ड्रॉप करी थी ना उसके पास लेके आ गया उसको और उसको डैमेज लगा, फिर यार मैंने उसको इजी तरीके से सुताई वगैरह कर दी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार यहाँ पे एक ट्रैप सा बन गया था। देखो फ्रेंड्स यार एक और बंदा आ गया था, वो अपने आप आ गया और फ्रेंड्स यार दोनों को डैमेज लग गया था। वहां पे मैंने दो माइन लगाई थी ना तो दोनों को डैमेज लग गया था, तो एक को तो यार मैंने यहाँ पे सुला दिया, मतलब उसकी तो पेटी मेटी बना दी। बाकी एक बंदा यार चालाक था, उसने क्या किया फ्रेंड्स यार यहाँ पे ग्लू वॉल से पटपट पेक कर लिया और मेडी वगैरह मारने लग गया। फिर यार मैंने उस पर नेट किया, नेट का भी यार थोड़ा सा हल्का फुल्का डैमेज लगा और फिर उसको अपन ने इजी तरीके से टपका दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार अपन ने जो ट्रैप लगाया था ना वो सक्सेसफुली वर्क कर गया। यहाँ पे देखो यार आपकी जो माइन है ना वो यार यहाँ पे हाइड हो जाती है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स यार आप बंदे को टीम अप वगैरह करके आप यार उसको टपका भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यार दोनों बंदों ने यार मुझे लाइक दे दी। तो ये वाली ट्रिक भी फ्रेंड्स यार काफी ओपी है, इसका भी आप यार यूज वगैरह कर सकते हो। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने चौथे नंबर की सिंपल ट्रिक पे। सो चौथे नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है बरमुडा रिमास्टर के अंदर। बरमुडा रिमास्टर में फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है भीमा शक्ति पे। तो भीमा शक्ति पे ये जो एलसेफ देखने को मिलता है ना ऊपर के साइड में, तो वहीं पे फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है। और हाँ फ्रेंड्स यार ये वाला सीक्रेट प्लेस भी इसको हल्का फुल्का सीक्रेट प्लेस भी इसको बोल सकते हैं। बाकी इसको एक सिंपल ट्रिक ही बोलूंगा मैं तो, है ना, इतना मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, इतना ओपी भी नहीं है ना। तो ये वाली ट्रिक में फ्रेंड्स सर आपको क्या करना है, यहाँ पे यार आपको दो से तीन ग्लू वॉल लगेंगे। तो तीन ग्लू वॉल फ्रेंड्स सर आपको कुछ सीडीओ की तरह कुछ इस तरीके से लगा देना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं ना उस तरीके से लगा दो। फिर फ्रेंड्स यार आपको फटाफट से ऊपर के साइड में चले जाना है और यार यहां से ये ग्लू होल के ऊपर जंप कर दो। फिर यार सेकंड वाले ग्लू होल के मतलब ये ग्लू फर्स्ट वाले ग्लू होल के ऊपर जंप कर दो। फिर आपको यार करना है यहां से दूसरे वाले ग्लू होल के ऊपर जंप और फिर आपको तीसरे वाले ग्लू होल के ऊपर जंप करना है। और फिर यार यहां से आप यार ऊपर के साइड में आ सकते हो और यार यहां पे आप यार बैठ सकते हो और मतलब यहां पे आप लेट भी सकते हो, इस वाले कोने में लेट भी सकते हो। बाकी यार यहां पे मेरे को इतना सेफ वगैरह नहीं लगता है छुपना, बोले तो यार यहाँ पे सिर्फ आपको अगर आना है ऊपर के साइड में आना है तो यार चारों तरफ राउंड करते रहो, मतलब हिलते डुलते रहो ताकि यार आपको कोई मार ना दे। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे एक चीज ओपी है कि अगर आप यहाँ पे बैठ जाते हो और इधर के साइड से मान लो यार इधर के साइड से कोई बंदा है तो ऊपर के साइड में आपको यार एक मस्त वाला कवर देखने को मिल जाता है, मतलब जहां पे मैं हूं ना वहां पे यार आपको कवर देखने को मिल जाता है। मान लो फ्रेंड्स यार इधर से कोई बंदा मार रहा है तो आप यार इधर के साइड में आ जाओ, पीछे की साइड से कोई बंदा मार रहा है इधर की साइड में आ जाओ। बाकी फ्रेंड्स यार तकलीफ तब आती है जब यार दोनों साइड से बंदे आते हैं ना, तब यार बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। यहाँ पे फ्रेंड्स यार अगर दोनों साइड से बंदे आ जाना तो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार हुआ एक गेम में क्या था, मैंने यार यहाँ से एक बंदे को भी टपकाया था, तो वो भी फ्रेंड्स यार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बस तो बैठा था, डुओ वगैरह खेल रहा था और वो बंदा मेरे टीममेट को मार रहा था तो मैंने यार उसको इजी तरीके से यहाँ से टपका दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार यहाँ से आप बैठे बैठे बंदे वगैरह भी टपका सकते हो, बाकी इतना ज्यादा कोई खास नहीं है। बाकी यार सिंपल है तो सिंपल है ना, तो इस तरीके से आप यार इस वाली ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। सो कोई ना फ्रेंड्स यार अभी अपन चलते अपने पांचवें नंबर की सिंपल ट्रिक पे। सो अभी अपन आ चुके अपने पांचवें नंबर की सिंपल ट्रिक पे। तो पांचवें नंबर की सिंपल ट्रिक फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगी पीक पे। तो पीक पे फ्रेंड्स आपको नॉर्मल बरमुडा मैप में आ जाना है, जहां पे अपुन है ना वहां पे फ्रेंड्स आपको आ जाना है। यहाँ पे यार टूटे वाले घर के पास में यहाँ पे ये जो कोने में है ना, ये कोने में ये दो बॉक्स पड़े हुए देखने को मिलते हैं ना, तो यार यहाँ पे आप लेट जाते हो, मतलब कुछ इस तरीके से लेट जाते हो और आगे की साइड में आ जाते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप कुछ मतलब मेरे को नहीं लगता यार कोई बंदा यहाँ पे यार इतना आपको नोटिस वगैरह कर पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सर यहाँ पे मैं बैठे रहा था फायरिंग वगैरह करता रहा था
और दो बंदे आए थे भाई, एक भी बंदा नहीं आया था, दो बंदे आए थे और यार मेरे पास से इसी तरीके से चले गए थे, उनको यार पता भी नहीं चला था और एक बंदे को तो अपन ने निकल के मार भी दिया था। सो अभी फ्रेंड यार मैं ऐसे ही फायरिंग वगैरह कर रहा था तो एक बंदा यार यहाँ से मतलब रैंक गेम के अंदर यार यहाँ से निकल के भी गया था। तो देखो फ्रेंड्स यार ये रहा वो बंदा, वो यार मेरे पास से देखो कितना पास है भाई, कितना करीब से निकल के गया, उसको पता ही नहीं चला कि अपन यहाँ पे लेटा हुआ है। फिर मैंने क्या किया यहाँ से इधर, और फिर यार यहाँ से मैंने उसको यार फायरिंग वगैरह दिया तो वो बेचारा मेरे ऊपर रस करने आया, पता नहीं क्या करने आया, तो मेरा भाई बोंटी बन गया भाई, लास्ट सर्कल में मेरा बोंटी बन गया। मैं फ्रेंड्स यार यहीं पे उतरा, यहीं पे फ्रेंड्स यार कैंप वगैरह करने लग गया और यहीं पे कैंप करते करते ही अपनी फ्रेंड्स यार रैंक वगैरह भी पुश हो गई और मैं यार टॉप 2 तक चले गया था यहाँ से ना। तो कोई ना फ्रेंड्स यार यहाँ पे आप यार कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से यार ये वाली लोकेशन पे लेट सकते हो, छुप के रह सकते हो, रैंक पुश कर सकते हो, क्योंकि यार ये पीक पे ना तो पीक पे यार काफी सारे मतलब काफी टाइम यार जोन वगैरह बनते रहता है। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैं वापिस से उसको टपकाने के बाद वापिस से लेट गया, तो वापिस से लेटने के बाद एक बंदा और आया, तो देखो फ्रेंड्स यार वो रहा वो बंदा, बाकी फ्रेंड्स यार वो बंदा यार यहाँ से निकल चुका था, मतलब जोन आ रहा था ना तो वो यार यहाँ से भाग रहा था, बाकी उसको अपन ने खड़े होकर डैमेज वगैरह दिया क्योंकि यार अपन लेटे लेटे किसी बंदे को नहीं मार सकते, अपने को किसी को मारना है ना तो बाहर निकल के ही मारना पड़ेगा। तो क्या फ्रेंड्स यार ये वाले मतलब सिंपल ट्रिक के वीडियो में इतना ही था, ये वाले सिंपल ट्रिक्स का वीडियो आपको कैसा लगा, ये वाली सिंपल ट्रिक का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला जाए। और अभी तक फ्रेंड्स यार आपने सेकंड चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, लाइव वाले 4G लाइव वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर दो। सो चलो फ्रेंड्स यार बाय बाय, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स यार बाय बाय।